सारे काफिर हैं, सब सुनो, सीता 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 की सोच लेंगे, अयोध्या सीता को ना जाने कितने, इतना बुरा बुरा सीता, इतना बुरा बुरा सीता। हिंदू देवी देवताओं को भद्दी गालियां देने वाली हीर खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। योगी सरकार ने हीर खान के खिलाफ देशद्रोह सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि हीर खान व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान, दुबई सहित कई देशों के लोगों के साथ संपर्क में थी। इसके साथ ही जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हीर खान एक्टिव थी, उनकी जाँच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि हीर खान भारत के कई अन्य राज्यों के लोगों के साथ भी लगातार संपर्क में थी। शुरुआत में पुलिस ये मानकर चल रही है कि जिन लोगों से हीर खान सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए बातचीत करती थी, यही लोग उसका ब्रेन वॉश कर हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी के लिए उकसाते थे। हीर खान का घंटों सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए दूसरे देशों के लोगों से बातचीत करने का आखिर मकसद क्या था? कहीं इसके पीछे किसी संगठन या विदेशी फंडिंग का मामला तो नहीं है? फिलहाल इन सभी पहलुओं पर प्रयागराज पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। हीर खान वाले प्रकरण में थाना खुल्दाबाद में FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसके आधार पे उसमें कुछ धाराओं की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि देशद्रोह के साथ अन्य धाराएं लगाई गई हैं, 153 ख और तमाम अन्य धाराएं जोड़ी गई हैं तहकीकात के आधार पर। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स थे जहां वो एक्टिव थी, उसको पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वहां कौन कौन ऐसे लोग थे जिनसे ये जुड़ी हुई थी, और शायद कोई ब्रेन वॉश का अगर काम कर रहा था या कोई भड़काने का काम कर रहा था तो वो लोग कौन हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी पहलू हैं इसमें, उन सभी पहलुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें कई तथ्य प्रकाश में आए हैं कि देश के बाहर के भी कुछ लोगों से जुड़ाव था, लेकिन अभी तक जो प्रकाश में आया वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही था। लेकिन हीर खान के फ़ोन डिटेल्स, उनके लैपटॉप के में जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, उनके सोशल साइट पर जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, जो आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, इसके आधार पर पुलिस आगे की विवेचना बढ़ा रही है। बैंक खातों को भी देखा जाए, कोई बाहर से फंडिंग वगैरह, चूँकि इनका इनकम का कोई सोर्स नहीं था, घर में और कोई भी नहीं था जिसका इनकम का कोई सोर्स हो, तो ये प्रश्न तुरंत उठता है कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती थी। प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया कि उनके मामा हैं जिनकी कपड़े की दुकान है, वहाँ से उनको ये पैसे मिलते थे सपोर्ट के लिए। तो इस बात की भी तहकीकात पुलिस कर रही है कि फंडिंग वहाँ से होती थी या कोई और भी माध्यम थे या ऑनलाइन कोई माध्यम था फंडिंग का। तो इस सारे पहलुओं पर पुलिस गंभीरता से इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसा उन्होंने बताया कि वो हाई स्कूल से कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन चूंकि उनको कंप्यूटर चलाने का, लैपटॉप चलाने का, तमाम एप्लीकेशन चलाने का अच्छा नॉलेज था, तो पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने इस चीज़ को बाद में सीखा है नौकरी के प्रयास में, इसलिए उनको इस चीज़ की अच्छी जानकारी है। पढ़ाई लिखाई उनकी बहुत ज़्यादा नहीं बताई जाती है। बताया जा रहा है कि हीर खान के पिता का देहांत हो गया है और वो अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। हीर खान ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से करना जानती है। पुलिस उसके द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो की छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो ऐसे वीडियो खुद से बनाती थी या उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। पुलिस उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी जाँच कर रही है। शुरुआती जाँच में ये पता चला है कि हीर खान और उसकी माँ गुजारे के लिए अपने एक रिश्तेदार पर डिपेंडेंट थे। SSP ने कहा कि जल्द ही पुलिस हीर खान से पूछताछ के लिए कोर्ट से उसे रिमांड पर लेगी और जरूरत पड़ने पर स्पेशल जांच टीम की भी गठन करेगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।